नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों हम आपको जो आप मकान बनाते हैं उसमें आपको कितना खिड़की, कितना स्पेस आप अपने मकान में कितना खिड़की के लिए स्पेस छोड़ना है, इस टॉपिक पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। साथियों, जैसे कि आप कोई मकान बनाने जाते हैं तो उसका जो आपका एरिया रहता है, जो क्षेत्रफल होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको खिड़की के लिए कितना जगह छोड़ना है। साथियों, मैं आपको प्लान में दिखा देता हूँ। आपको साथ जैसे ये है 10 बाई 10 फीट का कोई कमरा है तो ये 100 स्क्वायर फीट का आपका कमरा हो गया। हम आपको एकदम साधारण सी भाषा में बताएंगे, 100 स्क्वायर फीट का जैसे आपका एक कमरा हो गया तो उसमें से आप 20% से लेके 30% तक का हिस्सा ओपन स्पेस छोड़ना रहता है, ये स्टैंडर्ड एरिया में होता है। तो साथियों, जैसे कि आप एक प्लान देख रहे हैं, 10 बाई 10 फीट का एक रूम है, इसमें इधर एक विंडो लगी है, एक विंडो इधर लगी है, दोनों में अलग अलग साइज की लगी है, वो भी 20 से 30 स्क्वायर फीट के एरिया में हमने लगाया है, जो आपका सरफेस है दीवार का उस पर हमने लगाया है। तो साथियों, आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पहले हम इस प्लान पे डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, ये भी 10 बाई 10 का एक रूम है, तो हमारा एक दीवार पे एरिया है, तो हम इस दीवार का जो एरिया है 10 बाई 10, 100 स्क्वायर फीट का हो गया, तो हम इस पे 21% तक का, मतलब हम इसमें 21% लिए हैं, 3 बाई 7 फीट की हमने विंडो ले लिया है। आप चाहें तो इसको 4 बाई 5 की भी ले सकते हैं, 6 बाई 4 की भी ले सकते हैं, आप अकॉर्डिंग अपने कमरे के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन आपको 20% कम से कम आपका एरिया ओपन होना चाहिए खिड़की के लिए, ठीक है दोस्तों। और एक प्लान आप ये भी बताएंगे कि हमने इसको 7 फीट क्यों रखा है। साथियों, जैसे कि हमने 1 फीट हमने यहाँ पे नीचे रख दिया, 1 फीट हमने जहां से खिड़की की शुरुआत करते हैं, खिड़की रखते हैं, तो 1 फीट पे हमने स्टार्टिंग कर दिया और 7 फीट ऊंचा रख लिया, क्योंकि दीवार दरवाजे की हाइट के बराबर ये आ जाए। तो इसके साथ एक साथ आप लिंटल बीम भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको लिंटल बीम डालने की जरूरत नहीं, डालना चाहते हैं, तो इस दरवाजे की हाइट हम सीधे आप 9 फीट कर दीजिए, दरवाजे के साथ आप वेंटिलेटर लगा दीजिए, 2 फीट का लगा सकते हैं आप, 1.5 फीट का भी लगा सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और जो विंडो की साइज हो जाएगी, ये भी आप 3 बाई 9 फीट का हो जाएगा, यानी कि आपको 27 स्क्वायर फीट का एरिया आपको कवर्ड मिल जाएगा, 27 स्क्वायर फीट एरिया में आप खिड़की लगा सकते हैं। साथियों, इसमें एक ये भी है, जब आप फुल साइज में ले लेते हैं तो आपको कोई लिंटल बीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लिंटल बीम और स्लैब बीम में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। स्लैब बीम आपका वो होगा जो छत के साथ बीम आएगी, और लिंटल बीम वो होगी जो दरवाजे के ऊपर हम 4 इंची मोटा, मतलब 100 mm तक की थिकनेस की हमने उस पर बीम डाल दी जाती है। साथियों, आपको दूसरा प्लान में आपको समझाता हूँ, जो ये है, ये तो आपका ब्लू कलर का हो गया, जो आपका 100 स्क्वायर फीट का है, ज्यादा ऊंचाई वाली विंडो, ज्यादा ऊंचाई वाली विंडो इसलिए भी रखते हैं क्योंकि जो आपका गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा नीचे दबती है, तो ज्यादा ऊंची विंडो रखने से आपको वेंटिलेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप घर में छोटा विंडो रखते हैं तो आपको वेंटिलेटर लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, एक प्लान आपका ये हो गया। दूसरा प्लान हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि 20 स्क्वायर फीट तक का एरिया वो भी कवर किया गया है। तो साथियों, ये देखिए, ये ग्रीन कलर का है, तो इसमें से दरवाजा लग गया है। फिर एक खिड़की की बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 बाई 5 फीट की विंडो रखी है, 5 फीट हमने ऊंचा रख दिया है, 4 फीट चौड़ा रख दिया है, और जो हमारा इसका ये सिल लेवल है इसको हमने 3 फीट रखा है, क्योंकि दरवाजे के बराबर आ जाए। तो साथियों, इसमें से ये भी 20 स्क्वायर फीट का एरिया कवर्ड किया, लेकिन इस और इस जो आपको दोनों विंडो हैं, दोनों में ये देखिए, सबसे ज्यादा अच्छा आपको लुक में ये लगेगा, इंटीरियर में आपको ये अच्छी विंडो लगेगी, ना कि ये लगेगा। ये भी एरिया लगभग उतने सेम एरिया, डिफरेंट मतलब सेम एरिया आपको कवर कर रहा है उस दीवार पे। तो दोस्तों, इस पे आपको नीचे से 3 फीट की दीवार भी जोड़नी पड़ेगी और इसमें आपको 1 फीट की दीवार जोड़नी पड़ेगी, दोनों का एरिया सेम है, बस इसकी ऊंचाई ज्यादा है और इसकी ऊंचाई कम है, और इसमें ये आपकी जो इसकी चौड़ाई 3 फीट है, उसकी 4 फीट है। तो साथियों, इसमें से जैसे आपने 20 से 30% तक का हिस्सा लेना है, साधारण सी भाषा में वही चीज है, 20% से 30% तक का बीच का एरिया ओपन खिड़की के लिए छोड़ सकते हैं।
और यदि आप थोड़ा सा एरिया और बढ़ा सकते हैं तो आप उस पर वेंटिलेटर विंडो दीजिए। यदि आप 3 फीट वाले, 3 फीट से जब आप खिड़की स्टार्ट करते हैं तो आपको ऊपर वेंटिलेटर देना जरूरी है। और यदि आप खिड़की की हाइट सीधे आप स्लैब बीम तक रखते हैं तो आपको वेंटिलेटर देने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आपका जो घर का अंदर का हिस्सा रहेगा वो काफी अच्छा स्पेसियस, अच्छा लुक में आएगा। और आप इस पे आप कर्टन भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें डबल आपके जो ग्लास आ रहे हैं, मतलब कि 50% 50% आपका जो आपका वो रहता है ट्रांसपेरेंसी होती है वो भी रख सकते हैं। 100% ट्रांसपेरेंसी पे भी रख सकते हैं, 0% ट्रांसपेरेंसी पे भी रख सकते हैं। तो साथियों ये रहा हमारा दो प्लान, और दोनों प्लान पे हमने आपको बता दिया। साथियों मैं आपको एक डिस्कस और करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप घर के अंदर जो भी दरवाजे और खिड़की लगाते हैं, चाहे तो आप स्टील की लगा सकते हैं, चाहे तो आप लोहे की लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम की भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो बिल्डिंग का लोड होता है